हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ साध्वी, और आज हम अपना केमिस्ट्री का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, विच इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले, व्हाट आर मेटल्स? मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो क्या करते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। मीन्स मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल और डक्टाइल क्या होता है? देखिए, मेलिएबल का मतलब होता है ऐसे सबस्टांस जो शीट्स में कन्वर्ट हो सके, ऐसी प्रॉपर्टी जिससे कोई भी सबस्टांस शीट्स में कन्वर्ट हो सकता है, उसको बोलते हैं मेलिएबिलिटी। तो मेटल्स जो होते हैं, दे आर मेलिएबल, मतलब मेटल्स की हम क्या बना सकते हैं? शीट्स। एंड मेटल्स क्या होते हैं? डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है कि मेटल्स को आप वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टिलिटी क्या होती है? ऐसी कैपेबिलिटी ऑफ अ सबस्टांस जिससे उस सबस्टांस को आप वायर्स में कन्वर्ट कर सकें। तो आपको पता ही है कि मेटल्स की भी क्या बनती है? वायर्स। तो इसीलिए मेटल्स क्या होते हैं? डक्टाइल, ठीक है। मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं जो क्या करते हैं, जो बनाते हैं पॉजिटिव आयंस। मेटल्स क्या बनाते हैं? पॉजिटिव आयंस। कैसे? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मेटल्स क्या करते हैं? वो पॉजिटिव आयंस बनाते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। और जो भी सबस्टांस पॉजिटिव आयंस बनाए बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, उस सबस्टांस को आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं मेटल्स की, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, प्लैटिनम, लेड, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। अब हम इसमें पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में सबसे पहली प्रॉपर्टी है हार्डनेस, ठीक है। जो मेटल्स होते हैं, आपको पता है कि मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड। बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं मेटल्स, लेकिन कुछ मेटल्स को छोड़ के, जैसे कि एल्कली मेटल्स, जो आपके एल्कली मेटल्स होते हैं उनको छोड़ के बाकी मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड। अब एल्कली मेटल्स में कौन कौन से हैं आपके? सोडियम, पोटाशियम, लिथियम, ठीक है। ये मेटल्स इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इनको नाइफ से भी कट कर सकते हैं, चाकू से ये इजीली कट हो जाते हैं, और आप इनको हाथ पे भी रखेंगे तो ये इजीली आप इनको हाथ से भी पिघला सकते हैं, ठीक है। तो जो आपके मेटल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर हार्ड, लेकिन जो आपके एल्कली मेटल्स हैं, जैसे सोडियम, पोटाशियम, लिथियम, वो क्या होते हैं? वेरी सॉफ्ट मेटल्स। दीज कैन बी कट बाई यूजिंग अ नाइफ। आप इनको नाइफ की मदद से भी कट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्ट्रेंथ। जो मेटल्स होते हैं उन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। एंड दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। मीन्स आप मेटल्स को इजीली स्ट्रेच नहीं कर सकते, वो स्ट्रेचेबल नहीं होते, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस, इसी की वजह से इनकी जो ये स्ट्रॉन्ग और टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, इसकी वजह से जो ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे जो बिल्डिंग्स में आप यूज़ करते हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए हम मेटल्स यूज़ करते हैं, कौन से? जैसे कॉपर और आयरन, ठीक है। सिर्फ सोडियम और पोटाशियम को छोड़ के, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर एल्कली मेटल्स और ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेट। मेटल्स की कैसी स्टेट होती है? मेटल्स जो होते हैं, दे आर सॉलिड। कहाँ पे? एट रूम टेम्परेचर। लेकिन कुछ मेटल्स को छोड़ के, जैसे कि मरकरी, मरकरी क्या होती है? लिक्विड। मरकरी जो है वो सॉलिड नहीं होती, मरकरी लिक्विड होती है एट रूम टेम्परेचर। फिर आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज साउंड। जो मेटल्स हैं, मेटल्स हमेशा साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप मेटल्स के ऊपर कोई भी चीज़ स्ट्राइक करें तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है, टन की साउंड प्रोड्यूस होती है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं? सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी जिससे कोई भी सबस्टांस साउंड प्रोड्यूस करता है। तो मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं? सोनोरस होते हैं। और साउंड ऑफ मेटल्स, जो मेटल्स की साउंड प्रोड्यूस होती है, उसको आप क्या बोलते हैं? मेटालिक साउंड, ठीक है। जो आपके मेटालिक वायर होते हैं, आपने गिटार देखा होगा, ठीक है, जैसे गिटार हो गया या हारमोनियम हो गया, उसमें जो वायर्स यूज़ होती हैं वो किसकी बनती हैं? वो मेटल की ही वायर्स बनती हैं, क्योंकि मेटल जो है वो साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके जो वायर्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ मेटल्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कंडक्शन।
तो मेटल्स आपको पता है कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसी की वजह से जो बिजली की तारें वगैरह हैं ये कॉपर एल्यूमिनियम की बनी होती हैं, क्योंकि ये जो मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें मेलिएबिलिटी। तो मेलिएबिलिटी अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, मेटल्स क्या होते हैं मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब क्या है कि मेटल्स को आप शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी की वजह से जो ये बड़े बड़े शिप होते हैं इसमें क्या यूज़ होता है आयरन, क्योंकि मेटल्स की शीट्स बन सकती हैं, तो जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चर में हम क्या यूज़ करते हैं आयरन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी। तो मेटल्स क्या होते हैं डक्टाइल, मतलब कि मेटल्स की आप क्या बना सकते हैं वायर, पतली पतली वायर। इसी की वजह से जो आपके ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स उसमें वायर्स यूज़ होते हैं मेटल्स के, या जो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस वगैरह होते हैं उसमें भी मेटल की वायर्स यूज़ होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो मेटल्स होते हैं मेटल्स का जनरली हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन एल्कली मेटल्स को छोड़ के, क्योंकि एल्कली मेटल्स हमने पढ़ा था कि वो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, अगर आप उनको हाथ पर भी रखेंगे वो हाथ पर भी इजीली मेल्ट हो जाते हैं, इसलिए एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, बाकी सभी मेटल्स का हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, सिर्फ इन दोनों को छोड़ के इनका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज डेंसिटी। तो आपको पता है कि मेटल्स की बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा घने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज कलर। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो हैं वो ग्रे इन कलर ही होते हैं, उनका कलर जो होता है वो ग्रेइश होता है, लेकिन कॉपर और गोल्ड जो है वो एक्सेप्शन है, क्योंकि आपको भी पता है गोल्ड का कलर डिफरेंट होता है एंड कॉपर इज समथिंग ब्राउनिश, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स कौन से कलर के होते हैं ग्रेइश इन कलर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है अब आपके केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब भी कभी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, ये आप याद रखें मेटल्स प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मेटल ऑक्साइड। नेक्स्ट इसमें प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। तो जब भी कभी मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं उसी मेटल का हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या रिलीज करते हैं हाइड्रोजन गैस। जिस मेटल के साथ रिएक्ट करवा रहे हो उस मेटल का ये हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और साथ में क्या रिलीज करते हैं हाइड्रोजन गैस। देखिए मेटल प्लस वाटर इज इक्वल टू गिव राइज टू मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब जो मेटल्स होते हैं मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट नहीं करते पानी के साथ, कुछ ही मेटल्स ऐसे होते हैं जो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, और वो कौन से मेटल्स होते हैं वो मोस्टली होते हैं आपके एल्कली मेटल्स, सोडियम पोटाशियम ये लिथियम इस टाइप के जो मेटल्स हैं जो आपके एल्कली मेटल्स हैं। एल्कली मेटल्स हमेशा पानी के साथ बहुत अच्छे से रिएक्ट करते हैं, वरना मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो हैं वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड। जो डाइल्यूट एसिड है उसके साथ मेटल्स का कैसा रिएक्शन होता है, तो मेटल्स क्या बनाते हैं सॉल्ट्स। मेटल्स जब भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो अपने क्या बनाएंगे मेटल सॉल्ट। मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव राइज टू मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है मेटल ऑक्साइड्स। अब जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो मोस्टली क्या होते हैं बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर होते हैं और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं एसिडिक इन नेचर, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं और जो बेसिक नेचर के होते हैं वो होते हैं मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। और ये जो मेटल ऑक्साइड्स का अगर आप एक्वस सोल्यूशन लेंगे तो वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब मेटल ऑक्साइड्स का वाटर के साथ रिएक्शन कैसा होता है, देखिए जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो होते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब वो पानी में अच्छे से सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन जो एल्कली के मेटल ऑक्साइड्स होंगे वो सॉल्युबल होते हैं।
अभी हमने पढ़ा कि मेटल जो है वो पानी के साथ सभी मेटल्स रिएक्ट नहीं करते, बट कौन से मेटल्स रिएक्ट करते हैं? एल्कली मेटल्स. तो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स इनसॉल्युबल इन वाटर होंगे, सिर्फ एल्कली मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं. और जब भी कभी एल्कली मेटल पानी में आप मिक्स करते हैं तो वो हमेशा आपको क्या देते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस. वो हमेशा आपको क्या प्रोडक्ट देंगे? एक बेस. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अब ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? इसमें हम देखते हैं कि मेटल की रिएक्टिविटी, मतलब अलग अलग एलिमेंट्स के साथ, वाटर, ऑक्सीजन, हर किसी एलिमेंट के साथ मेटल्स का कैसा रिएक्शन होता है, और कौन सा मेटल कितना ज़्यादा रिएक्ट करता है, कौन सा मेटल कितना कम रिएक्ट करता है. ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं इंटेंसिटी और रिएक्टिविटी ऑफ अ मेटल. एक मेटल की कितनी इंटेंसिटी है, वो कितना जल्दी रिएक्ट करता है किसी भी चीज़ के साथ, या एक मेटल कितना जल्दी रिएक्ट करता है किसी भी एलिमेंट के साथ, किसी भी गैस के साथ. तो दैट इज़ नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज. अब ये सीरीज़ क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने इसमें मेटल्स को जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और जो सबसे ज़्यादा कम रिएक्टिव है उसकी पूरी एक सीरीज़ बनाई होती है, तो इसलिए हम इसका नाम दे देते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स. जो रिएक्टिविटी, जो एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी होती है कि क्या करती है, इट डिक्रीजेस. जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं, ये हमेशा डिक्रीज करेगी. जो भी आपने सीरीज बनाई है, जब आप टॉप टू बॉटम आएंगे तो ये डिक्रीज करती है. ठीक है, जो रिएक्टिविटी सीरीज है, आप इतना याद रखिए कि कॉपर, गोल्ड और सिल्वर ये सबसे बॉटम में है, तो ऑब्वियसली जो सबसे बॉटम में होंगे वो लीस्ट रिएक्टिव होंगे. तो इन मेटल्स को आप क्या बोलते हो? नोबल मेटल्स. नोबल मेटल्स कौन से होते हैं? जो रिएक्टिव नहीं होते, जो जल्दी रिएक्ट नहीं करते किसी भी एलिमेंट के साथ. तो कॉपर, गोल्ड और सिल्वर जो है उनको हमने क्या किया है? उनको हमने बॉटम ऑफ द सीरीज में रखा है, इसीलिए उनका नाम क्या रखा है? नोबल मेटल्स. और पोटेशियम जो है, पोटेशियम इस सीरीज में सबसे टॉप पे है, इसलिए वो मोस्ट रिएक्टिव है. मोस्ट रिएक्टिव मेटल ऑफ द सीरीज इज नोन एज पोटेशियम. ठीक है, अभी सीरीज यहाँ पे है, देखिए सबसे ऊपर पोटेशियम है. ठीक है, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन को हम प्लेस नहीं करते बट स्टिल हाइड्रोजन आपके इसमें आता है. देन कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड. देखिए ये चारों मेटल्स जो हैं, ये चारों, ये क्या है? लीस्ट रिएक्टिव. सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कम कौन है? गोल्ड और सिल्वर. लेकिन याद रखिए कि गोल्ड और सिल्वर रिएक्ट करते हैं किस में? एक्वा रीजिया में. ये मोस्टली अनरिएक्टिव है बट ये एक्वा रीजिया में रिएक्ट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ आपका ख़त्म होता है मेटल्स का टॉपिक. अब थोड़ा सा नॉन मेटल्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं. ठीक है, नॉन मेटल्स क्या होते हैं? जैसे मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते. नॉन मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और ना ही वो मेलिएबल होते हैं, ना ही वो डक्टाइल होते हैं. तो इसमें मोस्टली आपके क्या आती हैं? जो गैसेज हैं, जैसे आपकी, जैसे आपके इसमें आते हैं कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नियॉन, अर्गॉन. ठीक है, जो आपकी मोस्टली गैसेस हैं वो सारी आपकी किस में आती हैं? नॉन मेटल्स में. और नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स क्या करते हैं? ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं. ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं इसलिए ये नेगेटिव आइंस बनाते हैं. तो जो सबस्टांस इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आइंस बनाए उनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. जैसे मेटल्स जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव. ठीक है, अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपको बहुत ईजिली याद हो जाएगा. देखिए हार्डनेस में देखेंगे तो मेटल्स हार्ड होते हैं लेकिन नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते. ठीक है, दे आर जनरली सॉफ्ट. लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, डायमंड. देखिए डायमंड किसका एलोट्रॉप है? कार्बन का. ठीक है, कार्बन एक नॉन मेटल है तो डायमंड भी ऑब्वियसली नॉन मेटल हो जाएगा. लेकिन डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है. इनफैक्ट इट इज़ दी हार्डेस्ट मटीरियल नोन. ये सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट है. तो नॉन मेटल में एक एक्सेप्शन है किसकी? डायमंड की. ठीक है, स्टेट. नॉन मेटल्स जो हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस स्टेट में भी हो सकते हैं. ठीक है,
लश्चक, नॉन मेटल्स की डल अपेयरेंस होती है, मीन्स नॉन मेटल्स चमकते नहीं हैं, लेकिन आयोडीन और डायमंड जो है ये एक्सेप्शन्स हैं, क्योंकि आपको पता है डायमंड बहुत ज़्यादा शाइन करता है और आयोडीन भी, आयोडीन के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो भी शाइन करते हैं। तो नॉर्मली नॉन मेटल्स जो हैं उनकी डल अपेयरेंस होती है, बट डायमंड और आयोडीन जो है वो एक्सेप्शन्स हैं। सोनोरिटी, नॉन मेटल्स जो है वो सोनोरस नहीं होते, मतलब वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते जब उनके ऊपर कोई भी चीज़ आप हिट करो या स्ट्राइक करेंगे। कंडक्शन, नॉन मेटल्स जो है आपको पता है दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट क्या है? एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, बट स्टिल बीइंग एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसका रीज़न क्या है कि ग्रेफाइट में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री कार्बन एटम। ठीक है, नेक्स्ट इज मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं ना तो वो मेलिएबल है ना डक्टाइल, वो ब्रिटल होते हैं, जल्दी टूट जाते हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, नॉन मेटल्स का जनरली लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट इज डेंसिटी। तो नॉन मेटल्स जो है, नॉन मेटल्स की लो डेंसिटी होती है। हाँ, कलर्स में जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बहुत सारे कलर्स में होते हैं, जैसे आपको पता है नियॉन गैस जो गैसेस हैं वो अलग अलग डिफरेंट कलर्स की होती है। ठीक है, तो नॉन मेटल्स जो है दे आर इन मेनी कलर्स। अब यहाँ पे कार्बन जो है, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्ट्रस है, उसका शाइनिंग सरफेस होता है। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड इज अ नॉन मेटल विच इज़ एक्सट्रीमली हार्ड, एंड डायमंड इज अ नॉन मेटल विच हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये चार पॉइंट्स जो हैं ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो ये आपने ऊपर पढ़े, बट स्टिल मैं आपको ये चारों एक बार फिर से रिवाइज करवाऊंगी। कार्बन जो है ग्रेफाइट की फॉर्म में एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। याद रखिए, कार्बन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा, ग्रेफाइट कार्बन की फॉर्म है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका शाइनिंग सरफेस होता है। ठीक है, देन डायमंड जो है कार्बन की एक फॉर्म है जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, बहुत ही, इनफैक्ट आप बोल सकते हो इट इज़ द हार्डेस्ट सबस्टांस नोन। याद रखिए, कार्बन हार्ड नहीं है, कार्बन डायमंड की फॉर्म में हार्ड है। ठीक है, देन डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका बहुत ही ज़्यादा हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट्स आप दिमाग में रखिएगा, इनके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपका था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो अब मेटल्स और नॉन मेटल्स की मैंने थोड़ी बहुत आपको इंट्रोडक्शन दी फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जितना मुझसे हो सका। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। इस चैप्टर की PDFs आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। इस चैप्टर का जो टेस्ट है वो ऐप में होता है। ऐप और टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है। हैव अ गुड डे।